एंटर बॉलीवुड सब मिलेगा zoomtv.in। आज मुंबई में फिकी फ्रेम्स 2010 को इनॉग्रेट करने पहुंचे शाहरुख और कटरीना। दोनों ने एक साथ एक स्टेज शेयर तो किया, बट सरप्राइजिंगली दे अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट ईच अदर। कैसे किया इन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर, देखिए हमारी किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में। शाहरुख आए, साथ में आई कटरीना, लोग मिले, दीप जले, और कुछ इस तरह से हुआ फिकी फ्रेम्स 2010 का इनॉग्रेशन। फंक्शन में दीप जरूर जले पर नहीं मिले शाहरुख और कटरीना के दिल। जितने वक्त शाहरुख और कटरीना साथ रहे, सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया जब शाहरुख ने कटरीना के साथ पोज किया, पर ज्यादातर टाइम शाहरुख ने कटरीना को किया इग्नोर। ये तो थी तस्वीरों की बात, पर जब बात करने की बारी आई तब शाहरुख ने कटरीना पर पूछे गए सवाल को टाल दिया। तो कटरीना ने भी दिखाई कुछ ऐसी ही डिप्लोमेसी। कहा जा रहा है कि शाहरुख और कटरीना दोनों को फिकी में लेकर आए फिकी के नए को चेयरमैन करण जौहर। लेकिन जब हमने करण से शाहरुख और कटरीना के साथ आने की वजह पूछी तो उन्होंने ये कह दिया, शाहरुख और कटरीना दोनों इंडस्ट्री की हस्तियां हैं, क्या है वो लैंप के ने, वो टॉप एक्ट्रेस हैं, लैंप ऑस्पिशियस लैंप जलाने आई थे शाहरुख खान, ऑफ कोर्स इज शाहरुख खान, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। कहा जा रहा था कि एसआर के करण से दोस्ती की वजह से और कटरीना दोस्ताना 2 की हीरोइन होने की वजह से फिकी में आई, लेकिन करण ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि कटरीना अब तक दोस्ताना 2 के लिए फाइनल नहीं हुई है। दोस्ताना में अभिषेक और जॉन है, बाकी सारे कास्ट और क्रेडिट्स फाइनलाइज होने वाले हैं बहुत जल्द, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। सही है करण, शायद इसीलिए शाहरुख और कटरीना बोथ स्टक टू देयर एजेंडा ऑफ प्रमोटिंग फिल्म बेस्ड इश्यू एट फिकी। बॉलीवुड की फिल्मों की क्वालिटी हॉलीवुड की फिल्मों की तरह कैसे बढ़ाई जाए, इस पर शाहरुख खूब बोले, जस्ट लाइक वी बीन एबल टू गार्ड आवर फिल्म व्यूअर्स फ्रॉम वॉचिंग एनी अदर काइंड ऑफ फिल्म्स एक्सेप्ट इंडियन फिल्म्स इन लार्ज नंबर्स, Hollywood has trained the whole world in enjoying film watching in a certain format or dress code. We need to learn from them is also the science of marketing the films, which we hardly do in our country. The third most important aspect we need to adopt from the Hollywood films is the discipline and organization with which they do their business. साथ ही शाहरुख ने विल स्मिथ और हॉलीवुड के बहाने कमेंट कर दिया आमिर के अवतार डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन से मिलने पर। विल स्मिथ टोल्ड मी आई हैव मेट हिम सो लेट मी शो ऑफ। So what if I didn't meet James Cameron when he was here? इतना ही नहीं, SR के मुंबई की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर कमेंट करने से भी पीछे नहीं हटे। The second part of my speech was to say talk about Mumbai to Melrose, the road is shrinking. I wanted to use Bombay to Beverly Hills, but that kind of alliteration is not allowed, so I don't want to create new controversy, so I'll stick to Mumbai to Melrose. Well, ये तो थे SRK के views. वैसे कैट भी बॉलीवुड फिल्म्स के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए बोली। They're really trying to delve and to investigate into how we can make the business of the entertainment industry better and how we can advance it and you know make it more profitable for everyone involved. तो कुछ इस तरह हुआ फिकी फ्रेम्स का इनॉग्रेशन, जिसमें SRK और कैट साथ आए तो सही, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री की बात करने। फॉर अभिलाषा सिंह, जूम मुंबई।